The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. सिंपल तरीके से समझते हैं चिलेशन थेरेपी को और हार्ट के लिए ये काम करती कि नहीं करती उसके हिसाब को। देखिए हार्ट के अंदर आप सभी को पता है खून की नसें हैं, खून की नसें ऐसी खून की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज होने के वजह से हम देखते हैं कि चलो खून की नसों में ब्लॉकेज हो गया तो खून आगे नहीं जा पा रहा, वेरी सिंपल। अगर उन खून की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल बात में या तो खून पतला करने की दवा देते हैं, अंदर से तार डाल के उसको साफ़ करते हैं या उसमें छल्ला डाल देते हैं या फलाना फलाना ढमकाना ढमकाना, बहुत सारे छोटे मोटे इलाज हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देख के क्या हुआ, फिर लोगों ने क्या किया, नेचुरल चीज़ें भी देनी शुरू करी जो ऑलरेडी ब्लड थिनर है, जैसे अपना लहसुन हो गया, अदरक हो गया और दूसरे कई सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं इसमें, अश्वगंधा हो गया, आर्जिनिन हो गया, बाकी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। लेकिन द एंड रिजल्ट इज़ कि एक बड़ा ब्लॉकेज जब होता है, एक रोड़ा होता है, एक चट्टान होता है, उसको थोड़ी बहुत छोटे मोटे कंकरों पत्थरों को तो हवा भी हिला देगी ना, चट्टान को कोई नहीं हिला सकता। वैसे ही जब ब्लॉकेज पूरी अटैक बन जाती है तो उसको भाई साहब फिर कोई नहीं हिला सकता सिवाय एंजियोप्लास्टी के या फिर जो क्लॉट घोलने का इंजेक्शन होता है उसके। तो ऐसे में क्या हुआ, एक नया टेक्निक ईजाद की गई। अब ये हो गया एक आधी स्टोरी, द स्टोरी ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक द स्टोरी, और उसकी स्टोरी हो गई ये। दूसरी स्टोरी आती है कट टू, पार्ट टू में स्टोरी आती है चिलेशन थेरेपी की, जो कि पहले की जाती थी। तो चिलेशन का मतलब क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन, बेसिकली ये डिटॉक्सिफिकेशन है, चिलेशन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। तो पहले क्या था कि डिटॉक्स है तो वहाँ टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, तो यहाँ टॉक्सिसिटी में पहले मर्क्यूरी, लेड या ऐसे कोई हैवी मेटल की जब पॉइजनिंग हो जाती थी शरीर के अंदर, हैवी मात्रा में जब वो पाए जाते थे, मिल जाते थे, तो ये चिलेशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स खून में डाले जाते थे जो ऐसे चीज़ों से बाइंड कर लें, लेड से बाइंड कर लें, मर्क्यूरी से बाइंड कर लें। और क्या होता था, वो अगर लेड और मर्क्यूरी से बाइंड कर लेते थे तो वो बाइंड करके उसको शरीर से यूरिन के थ्रू निकाल देते थे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं दुनिया में जो अलग अलग चीज़ों को चिलेट कर सकें, तो चिलेशन थेरेपी हो गई ये, समझ गए। चिलेशन मतलब डिटॉक्स फॉर हैवी मेटल्स और समथिंग और दी अदर, जिसका भी हमको इस तरीके का डिटॉक्स का तोड़ मिल गया। अब ये हर चीज़ में लागू नहीं होता भाई साहब, लिटरली आपको पता है शुगर के लिए भी ऐसी एक दो दवाइयाँ आती हैं जो सीधा सीधा आप खाओगे तो वो शुगर को पकड़ेंगी और यूरिन के थ्रू निकाल देंगी। जी हाँ, शुगर के लिए, ब्लड शुगर के लिए भी ऐसी दवाइयाँ आती हैं, तो चिलेशन थेरेपी उसको भी बोल सकते हैं कि वो शुगर चिलेट कर लिया। बट चिलेशन वर्ड जो है ये हैवी मेटल्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और अब क्या करने की कोशिश हो गई लोगों को, लोगों ने ये देखा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है हार्ट में, नसों में, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, फिब्रिन, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और बहुत सारे सेल्स जमा होते हैं और फिर उसमें उसके अंदर जो है वो फिक्स होते जाता है, उसमें कैल्शियम जमा होते जाता है। तो कैल्शियम जमा होके, फिक्स होके, वो क्या करते हैं, अब वो कोशिश करते हैं इनमें से जो कैल्शियम है, जो चिलेशन है, मतलब इनमें से प्लैक्स में कैल्शियम निकाल लें, कैल्शियम निकाल लें, तो क्या होगा कि प्लैक घुलता जाएगा, जो उसका मेन बाइंडिंग मटेरियल है, मतलब जो दीवार में जो सीमेंट निकाल लें तो दीवार खोखली हो जाएगी, ऐसा कॉन्सेप्ट है, और वो जो है वो टूट जाएगी। लेकिन किंतु परंतु इसके खतरे भी हैं, वो समझाता हूँ मैं कैसे। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, ये क्या करते हैं चिलेशन में, EDTA जो कि एक दवाई का नाम, एक केमिकल है, राइट, EDTA नाम का केमिकल IV के थ्रू आपके खून में डाला जाता है और वो आपके खून में EDTA जो है, एक सेकंड रुकिएगा, क्षमा चाहेंगे इसके लिए, डिस्टर्बेंस के लिए आपका, राइट। सो EDTA आपके खून में डाला जाता है और वो EDTA जाता है 30 मिनट के लिए आपको दिया जाता है कई हफ्तों तक। और मेडिसिन से क्या होता है, ये नॉर्मली तो हमने मेटल्स को निकालना था और साथ में मिनरल्स को भी
निकाला जा सकता है। वैसे ही कैल्शियम एक मिनरल है, वो चिलेशन थेरेपी क्या करती है, कैल्शियम और ये फैट डिपॉजिट जो प्लेक्स हैं उसमें से कैल्शियम को निकालने का कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसमें क्या है कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखना होता है कि कैल्शियम निकला कि नहीं निकला, कैल्शियम निकला कि नहीं निकला। और इसमें दो तीन स्टडी हो रखी है, एक तो टैक्ट टू स्टडी है, ट्रायल टू एसेस चिलेशन थेरेपी। तो जब इसका असेसमेंट हुआ कि ये क्या हार्ट डिजीज को ठीक कर सकता है, प्रूफ कर सकता है, तो इसमें नहीं देखा गया, इसमें देखा गया कि चिलेशन थेरेपी से, इसमें इस टैक्ट टू स्टडी में देखा गया कि चिलेशन थेरेपी से कोई खास फायदा होता नहीं है, ना ही स्ट्रोक का पेशेंट जिसमें ब्रेन में क्लॉट हो जाते हैं वहाँ पर वहाँ जाते हैं, ना ही हार्ट डिजीज के पेशेंट, ना ही डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट्स, इसमें चिलेशन थेरेपी का कोई मेजर कोई मोटा फायदा होता नहीं है, वहाँ की चट्टानों को हिला भी नहीं पाता तो कोई फायदा नहीं होता उसमें। हार्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशंस और अमेरिकन कॉलेज कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी भी बोलते हैं कि ये वैसे ही अनसर्टेन है कि भैया ये कुछ काम करेगा भी या नहीं। ये वही बात हो गई कि एक कॉन्सेप्ट पकड़ो और एक्सपेरिमेंट करो, समथिंग लाइक दैट। सो ये काम करते हुए रिसर्च में तो नहीं दिखा है। FDA ने, फूड ड्रग एसोसिएशन ने इसीलिए इसको हार्ट डिजीज के क्लॉट के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि तो भैया एक तो आप वहाँ से कैल्शियम निकालने की बात कर रहे हो, दीवार खोखली कर रहे हो, उसके बाद रिस्क क्या आ जाता है सोचो। एक तो खुद चिलेशन देने वाली दवा केमिकल का रिस्क कि वो केमिकल खुद आपको साइड इफेक्ट ना करे, बुखार ना करे, नौजिया वॉमिटिंग हेडेक ना कर दे, नंबर एक। जो रेयरली थोड़े कॉम्प्लिकेशन बढ़ भी सकते हैं उसके, कभी कभी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल्स लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कभी हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कैसे किडनी डैमेज हो सकती है, डेथ हो सकती है। भैया ये भी रिस्क ही है, क्यों? क्योंकि अगर आप दीवार तोड़ोगे तो वो क्या, वो फू करके धुआं थोड़ी हो जाएगी, वो वहां गिरेगी तो वो छोटे मोटे पीसेस जो है वो आगे जाके बह के आगे जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। कैल्शियम बहुत कम हो जाता है तो सारी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम की ज़रूरत में कैल्शियम कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, हार्ट फेल हो सकता है, ऐसे ही किडनी डैमेज हो सकती है, ऐसे ही बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि बोन मैरो के अंदर कैल्शियम होता है, वो निकल निकल के सेल्स में आएगा, वो निकल निकल के खून में आएगा। तो इट्स अ बिग कॉम्प्लिकेटेड स्टेप और इसीलिए चिलेशन नहीं किया जाता है। अभी इतना समझाने के बाद अगर आपको ना समझा तो नहीं समझने वाला। तो चिलेशन भैया नहीं काम करता और नहीं किया जाता, अप्रूव्ड भी नहीं है, कोई काम का नहीं है, फालतू का। सो बिफोर ट्राइंग ऑल दीज थिंग्स, अब ये हम बता दिए, ये सब नहीं बताएंगे, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो चिलेशन चिलेशन के नाम के गुण गाएंगे और आपको चिलेशन थेरेपी की दवा लगाने के और कितने हफ्ते बुलाने के उनके पैसे बनाएंगे, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते भैया। देखो जहाँ अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ बुरे भी डॉक्टर हैं, वहाँ सेल्फिश भी डॉक्टर हैं, वहाँ पैसे वाले भी डॉक्टर हैं, वहाँ पैसे खाने वाले भी और फ्री फालतू में करने वाले भी हैं। अच्छा डॉक्टर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है आपको ज्ञान देना, हमने दे दिया, आपकी जिम्मेदारी है इसको आगे बांटना, तो बांटोगे तो अच्छी बात है। सो बिफोर ट्राइंग एनी काइंड ऑफ चिलेशन थेरेपी एज अ हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट, टॉक टू योर डॉक्टर कि उसका बेनिफिट क्या है, उसका रिस्क क्या है, वो ज़रूरत है क्या उसकी। हाँ अगर आपके बॉडी में आयरन लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, कोई केमिकल मान लो लेड पॉइजनिंग हो जाती है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाती है, तब चिलेशन किया जाता है, राइट। आयरन के लिए डेक्सफेरोक्सामिन दिया जाता है, मर्क्यूरी के लेड के लिए, सबके लिए अलग 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 दवाइयाँ हैं जो चिलेशन के लिए बनी है। वो बात आ जाती है कि अब वो जो केमिकल है, वो जो हैवी मेटल है, वही ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, तो उसको निकालना ज़रूरी है, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, फिर वो रिस्क लेना पड़ेगा। मगर आता कसाला कराए जब पता ही है कि इसका कोई फायदा नहीं है। सो सिंपल सा फंडा याद रखिए, वट एवर इज मोस्ट यूजफुल आप वही करोगे ना, है कि नहीं? सिंपल सी चीज़ है, किताब में पढ़ाई तो वही करोगे जो एक्चुअली सिलेबस में आता है, या एक हाथ पेज का नोट कहीं मिल गया तो वो उसी के ऊपर टाइम बिताते रहोगे कि यही पेज मैं पढ़ूंगा, यही पेज, जो वो तो एग्जाम में आ ही ना, कोई फायदा होगा ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टू मेक गुड हेल्थ केयर डिसीजंस। ऐसे ही हर चीज़ के कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, बात करते रहिए, और हमारे पास जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, शेयर करिए वीडियो को, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।